नहीं करना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहो वरना एंजॉय एंजॉय में निकल जाएगा साल। समझ में आई बात? थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते रहो, सब कुछ एक न्यूट्रल में चलने दो। जैसे अपने पास एनायन है, कटायन है, हर कोई क्या चाहता है? न्यूट्रल, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। आपकी लाइफ भी वैसी ही है बच्चों, क्लियर? तो चलो, प्रीवियस क्लास में क्या किया था कुछ याद है? कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी और कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी की थी। बहुत अच्छे से सीखा था कि कार्बो कटायन और कार्बे एनायन एक जैसा ही है, बस वहां पर विड्रॉइंग टेंडेंसी देखते हैं नेगेटिव आई में, और पॉजिटिव में क्या देखते हैं? डोनेटिंग टेंडेंसी। अगर डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज़्यादा है, पॉजिटिव उतना ही स्टेबल होगा, और नेगेटिव में विड्रॉइंग टेंडेंसी जितनी ज़्यादा है, नेगेटिव उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस फैक्टर में क्या देखा अपन ने? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उतना परफेक्ट होगा। क्लियर बात है? एक दो एग्जाम्पल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो मुझे बताओ, और यहाँ नेगेटिव है, बहुत अच्छे से देखना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज जरूर करेगा, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। एक चीज़ मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख रहा हूँ तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? क्या मुझे यहाँ कोई ऑर्थो, क्या मुझे यहाँ कोई पैरा देखना है? नहीं, क्योंकि ऑर्थो पैरा हम कहाँ देखते हैं? जब वहाँ बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं ये ऑर्थो पोजिशन है और ये पैरा पोजिशन है, इसके रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी कैसी है वो हम वहाँ देखते हैं। क्लियर है? तो चलो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर 1, 2, 3 में मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन के बारे में अगर कोई पूछे, तो मुझे बताओ बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कैसे देखोगे? क्या मुझे पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात है? जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर मान लीजिए रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो आप कंपेयर करोगे कि वो नेगेटिव कहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहली बात करते हैं, क्या यहाँ कोई रेजोनेंस है? नहीं, इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रोसेस नेगेटिव का कुछ नहीं होना है। यहाँ बच्चों रेजोनेंस है, और रेजोनेंस करते करते कहाँ तक आएगा? यहाँ तक, और फिर ये रेजोनेंस करते करते कहाँ जाएगा? यहाँ तक, मतलब काफ़ी लॉन्ग रेजोनेंस है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कभी भी डबल बॉन्ड के ऊपर, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो लोकलाइज्ड होता है, डीलोकलाइज नहीं होता है। क्लियर? तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या कोई रेजोनेंस होगा? नहीं, इसका मतलब जहाँ रेजोनेंस हो रहा है वो तो सबसे परफेक्ट है। क्लियर? 1 और 3 में जब रेजोनेंस नहीं है तो नेगेटिव और भी कुछ डिपेंड करता था। क्या डिपेंड करता था? कि नेगेटिव कहाँ पर है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिंगल बॉन्ड से क्या होती है बच्चों? ज़्यादा होती है। और सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव बताओ कहाँ स्टेबल होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिंगल बॉन्ड से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो मुझे बताओ ऑर्डर में क्या लिख सकता हूं? 2, 3, 1। क्लियर है? नोट कर ले बच्चों इसे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके पास, और ध्यान दीजिएगा। ये नेगेटिव है, सी डबल बॉन्ड सी पे नेगेटिव है, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे नेगेटिव है। क्लियर? इन तीनों में अगर हम रिस्पेक्टिवली बात करें तो मुझे बताओ ऑर्डर क्या होगा नेगेटिव का? क्या नेगेटिव की स्टेबिलिटी हमने देखी कि कितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करती है? अगर कोई sp है, अगर कोई sp है हाइब्रिडाइजेशन, और कोई sp2 है, तो मुझे बताओ नेगेटिव कहाँ स्टेबल है? sp हाइब्रिडाइजेशन पे। क्लियर? तो मुझे बताओ sp हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? ये sp2 है। इसका मतलब अगर मान लो 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। क्या मुझे पता है कि 1 में कुछ हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है? क्या देख पा रहे हो? कुछ दिन पहले अपन ने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था एरोमेटिक सिटी। क्या बच्चों ये आपको 4n+2π इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन दिख रहा है? और ऐसा डीलोकलाइजेशन क्या होता था? एरोमेटिक। इसका मतलब बच्चों इसे मैं क्या लिखूंगा? एरोमेटिक। और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक। क्या ये नॉन एरोमेटिक नहीं है? ना तो साइक्लिक है, ना तो रेजोनेंस है, ना ही 4n+2π डीलोकलाइजेशन है। तो क्या मैं कह सकता हूं 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? अब 2 और 3 में आप बता सकते हो कौन ज्यादा होगा। ऑब्वियस ही बात है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव उतना ही ज्यादा स्टेबल। इसी तरीके से मान लो बच्चों, अगर मेरे पास कोई
क्वेश्चन हो कार्बोकटायन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दो, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, सारे क्वेश्चन बहुत ही तगड़े क्वेश्चन हैं, ध्यान देना क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन तीनों में मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप यहाँ गलती करोगे, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आदमी गलती करता है, और ऑब्वियसली बात है गलती होनी भी चाहिए क्योंकि आपको जब गलती हो जाएगी तो आप खुद जान जाओगे कि एक्चुअल में ये गलती अब मुझे आगे कभी नहीं करनी है। क्लियर, चलिए डिस्कस करते हैं। इस कंपाउंड में कुछ आपको स्पेशल चीज दिख रही है बच्चों? एक बहुत स्पेशल चीज मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं और इसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस। क्या बताने जा रहा हूं? डांसिंग रेजोनेंस, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है और आपको हमेशा ये चीज पता होनी चाहिए। आप 11th क्लास में हैं अभी, आपने नहीं ये चीजें पढ़ी होंगी, तो डांसिंग रेजोनेंस एक बहुत ही स्टेबल क्वांटिटी होती है, बहुत स्टेबल, इतनी स्टेबल होती है कि ये रेजोनेंस रेजोनेंस को भी पीछे छोड़ देती है, क्योंकि ये डांस है और डांस सबको पसंद होता है। अब देखो डांस होता कैसे है, ध्यान देना, डांसिंग रेजोनेंस की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तभी प्रेजेंट होगी जब एक थ्री मेंबर्ड रिंग, एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव हो। यहां पर भी डांसिंग रेजोनेंस हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं यहां पर है, यहां पर भी डांसिंग रेजोनेंस हो सकता है। अब क्या चीज चेंज हुई, साइक्लोप्रोपाइल रिंग से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां मैं कह सकता हूं कि यहां पर डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट है। इस टाइप की क्वांटिटी हमेशा क्या कहलाएगी, डांसिंग रेजोनेंस। अब क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस, एक चीज मुझे ये बताओ बच्चों, क्या अपन ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को अच्छे से समझा था? और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो एल्कीन की भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होती थी और साइक्लोप्रोपाइल की भी कितनी होती थी बच्चों, 1 होती थी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत सेम ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डोनेट कर सकता है, वैसे ये भी डोनेट कर सकता है। अब किसी ने कहा कि सर ये क्यों डोनेट करेगा, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि थ्री मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी के बारे में तुम क्या जानते हो, तो तुम हमेशा यही बोलोगे कि सर थ्री मेंबर तो बहुत छोटा होता है और जितना छोटी रिंग होगी एंगल स्ट्रेन उतना ही ज्यादा होगा, हमेशा वो एंगल क्या करेगा, रिपल्शन करता रहेगा, एंगल स्ट्रेन होगा, और जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतनी ज्यादा वो अनस्टेबल रिंग होगी, और अनस्टेबल रिंग हमेशा क्या चाहती है कि वो ब्रेक हो जाए, जिससे उसकी अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाए। सिंपल सी बात है, ये थ्री मेंबर रिंग क्या करती है, अब ब्रेक होती है और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, देखो कौन सी क्वांटिटी बन गई, पाई बॉन्ड बन जाएगा, और पॉजिटिव कहां लग जाएगा, एरो के पीछे वाले भाग में, इसका मतलब यहां लग जाएगा। क्या सही बात है? क्या इसी तरीके से यहां भी रेजोनेंस हो सकता है? जब यहां रेजोनेंस होगा तो बताओ कैसी प्रॉपर्टी होगी, क्या मैं कह सकता हूं कि अब डबल बॉन्ड ऐसे होगा और पॉजिटिव ऐसे आ जाएगा? अपन जब भी डांस करते हैं शादियों में ऐसे ही तो करते हैं, हिलते 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 हिलते, या फिर ऐसे नॉर्मल करते हैं, यही तो करते हैं, बहुत माइकल जैक्सन तो करते नहीं है। इसका मतलब बताओ जितना ज्यादा ये डांस करेगा उतना ज्यादा इसमें रेजोनेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही इस कार्बोकटायन को क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, जिसकी वजह से बहुत स्टेबल होता है ये, बहुत स्टेबल, इतना स्टेबल होता है कि ये इसे भी पीछे छोड़ देता है। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस है जो कि एक बार घूम के हो जा रहा है, लेकिन यहां डांसिंग रेजोनेंस क्वांटिटी हमेशा होती रहेगी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल क्या आता है, ये आता है। सिर्फ एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इसको पीछे छोड़ता है और वो है 7-membered aromatic। 7-membered aromatic में क्या होता है, एरोमेटिकसिटी आती है, जिसकी वजह से ये डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाता है, स्लाइटली, लेकिन अगर और कुछ आए तो ये स्टेबल होगा ही होगा। इसका मतलब इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन होगा, 1, तो मैं 1 लिख सकता हूं। 2 और 3 की बात करें तो इसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, पूरी रिंग में है, और इसमें रेजोनेंस सिर्फ यहीं तक है। इसका मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्या मैं सही लिख रहा हूं, 1, 2, 3। चलिए बच्चों नोट कर लें इसे, नोट कर लें इसे, और मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ अबाउट विद द हेल्प ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। किसकी हेल्प से,
मेसोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिया और अब अपन सीखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, वो कैसे हम सीखते हैं। तो वही सारी चीज़ें रिवाइज होंगी जो अपन ने इंडक्टिव में की थी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल सी बात है, क्या आप समझते हो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अम्लीयता। क्या बोलते हैं? अम्लीयता। अम्लीयता का क्रम या स्टेबिलिटी ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। और इसे एक और डिनोट करते हैं जिसे बोलते हैं के ए। ये भी आपको मैंने पढ़ाया था इंडक्टिव में, ध्यान आ रहा है? क्या होता था, क्या आपको मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई थी और वो रिएक्शन थी एसिड बेस रिएक्शन। क्या थी बच्चों, ध्यान देना। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एसिड है, एसिड का मतलब आपको हमेशा पता होना चाहिए इसके पास एसिडिक एच होगा। एसिडिक एच के साथ साथ अब मैंने क्या लिया, एक बेस लिया। बेस मैंने यहाँ क्या लिया, वाटर। बेस क्या लिया मैंने यहाँ पर, वाटर। तो वाटर क्या है, एक बेस है, और एसिड क्या है, इसको क्या नाम दोगे बच्चों, एसिटिक एसिड। जब ये रिएक्शन करते हैं, जब ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, तो ध्यान दो एक अच्छी बात हो रही है और वो क्या हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन। बेस क्या करेगा, क्या मैंने आपको बेस की प्रॉपर्टी बताई थी, बेस हमेशा H प्लस को क्या करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, या इसको दूसरी तरीके से बोलूं तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या कहलाती है, बेस। और H प्लस रिलीज करना क्या कहलाता है, एसिड। तो बताओ H प्लस जैसे ही ये लेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3COO-, यही तो बनेगा, सिंपल सी बात है। तुमने कहा इस कार्बन से H क्यों नहीं लिया, यार इस कार्बन से H लेता तो कार्बन पे माइनस आता, ऑक्सीजन से H लिया है तो माइनस ऑक्सीजन पे आएगा, कौन सा बेस्ट है, कौन H प्लस जल्दी देना चाहेगा, H प्लस जल्दी वही देना चाहेगा जिस पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल हो, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। और H लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, OH3+, क्योंकि इसके पास तीन H आ जाएंगे तो और पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं। मान लो इस रिएक्शन की कोशेंट है K, इसी को मैं Ka अगर लिख दूं, तो क्या मैं Ka के बारे में लिख सकता हूं बच्चों कि Ka इस क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यही तो पढ़ा है अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री में। तो बताओ प्रोडक्ट क्या है, CH3COO- H3O+, और रिएक्टेंट क्या है बच्चों, CH3COOH, और क्या है, वाटर। वाटर लिखो ना लिखो, न्यूट्रल होता है तो कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। अब मुझे ये बताओ बच्चों, जब अपन ने एसिड और बेस की रिएक्शन की, तो एसिड बेस से रिएक्शन करने के बाद हमेशा क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और बेस हमेशा H प्लस लेने के बाद क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, और ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि के ए किस पे डिपेंड करेगा, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस के एनायन स्टेबल होंगे उतना ज़्यादा ये क्वांटिटी अच्छी होगी, और जितनी ज़्यादा ये क्वांटिटी अच्छी होगी उतना ही के ए क्या होगा, अच्छा होगा। इसका मतलब मैं सिंपल सी बात आपको बताऊं तो आपको करना वही है जो आपने इंडक्टिव में किया था। क्या किया था, H प्लस रिलीज कर रहे थे, नेगेटिव लगा रहे थे, और नेगेटिव की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता रहे थे। क्या यही तो हम कर रहे थे? तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको बोलूँ कि करना क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर हमेशा हम क्या करेंगे, हमारे पास हमेशा यहाँ एक एसिड होगा और उस एसिड से हमें क्या करना पड़ेगा, H प्लस निकालना पड़ेगा, और H प्लस निकालने के बाद जो नेगेटिव वहाँ लगेगा उस नेगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे और उसके ऑर्डर पे हम बताएंगे कौन अच्छा एसिड है और कौन नहीं। जैसे क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है भाई, सिंपल सी बात है, के ए उतना ही अच्छा होगा जितना ही कॉन्जुगेट बेस क्या एनायन स्टेबल होगा। ध्यान दीजिए जरा, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक है CH3OH और एक है मेरे पास, इसे बोलते हैं बच्चों फिनॉल। मैंने आपको IUPAC में पढ़ा रखा है,
इसे क्या बोलते हैं? फिनॉल। अगर मैं बोलूँ वन और टू में के एक ऑर्डर कंपेयर करो, तो सबसे पहली कहानी क्या अप्लाई करोगे आप? सबसे पहली कहानी आप ये अप्लाई करोगे, इसका क्या बनाओगे? कॉन्जुगेट बेस। और जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो आपको खुद फील होगा कि पहले का जो कॉन्जुगेट बेस है वो बनेगा CH3O-, और दूसरे का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या बनेगा? बेंजीन पे लगा हुआ O-। अब मुझे बताओ इन दोनों O- में कौन सा O- ज़्यादा स्टेबल है? क्या ये O- सिर्फ और सिर्फ O पे नेगेटिव है और कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर से CH3 का प्लस I भी लग रहा है? इस O नेगेटिव की बात करूँ तो इस O नेगेटिव के साथ साथ रेजोनेंस मिल रहा है किसका? बेंजीन रिंग का, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड। सिंपल सी बात है, बताओ रेजोनेंस फैक्टर ज़्यादा अच्छा होता है या नॉन रेजोनेंस? आपका आंसर होगा रेजोनेंस। इसका मतलब बताओ कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा स्टेबल है ये? तो मैं कह सकता हूँ कि एक ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 is greater than 1। तो इस तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे और काफ़ी सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए नोट कर ले फटाक से इसे, और फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे के ए। और आपको एक चीज़ मैंने और बताई थी विच इज़ PKA। क्या बताई थी? PKA। और PKA का मतलब क्या होता है भाई? KA का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, और PK आदमी क्या होता है? उल्टा। इसका मतलब KA का ऑर्डर जो भी आएगा उसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा? PKA। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है KA क्या होता है। क्या मैंने आपको ये इंडक्टिव में बताया था कि KA का मतलब होता है HIN कॉन्सेंट्रेशन? जितना ज़्यादा HIN कॉन्सेंट्रेशन होगा, अभी आपने देखा H3O+, जितना ज़्यादा HIN कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना KA की वैल्यू होगी। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ PKA क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ HIN। और अगर आपको प्रूफ करना है कि PKA और KA इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो आप यहाँ से इसे प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मैं KA1 ले लूँ 10^-8 और KA2 ले लूं 10^-7, मुझे बताएं बड़ा कौन है यहाँ पर? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ बड़ा है KA2 KA1 से? सही बात है। अगर मैं यहीं पर PKA1 निकालूं तो जल्दी से आप बताएं, मैथ्स आपकी बहुत तगड़ी है, 10^-9 रखोगे, सॉरी -8 रखोगे, तो -8 बाहर आएगा और ये क्या बन जाएगा? +8। और log 10 की वैल्यू होती है बेस 10 पे 1। इसका मतलब क्या इसकी वैल्यू 8 आएगी और इसकी वैल्यू 7 आएगी? तो मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8। और PKA2 की क्या आएगी वैल्यू? 7। तो मुझे बताओ कौन बड़ा है भाई? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से मैंने देखा PKA1 PKA2 से क्या है? बड़ा है। तो देखा आपने कैसे आपको रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर पता लगा? क्लियर है? तो चलिए नोट कर लें फटाक से इसे भी, और अपन अब जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं भाई प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस। कैसे? ध्यान देना, मेरा क्वेश्चन है ये है HA, बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये है HB, मुझे बताओ क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HA एंड HB कंपेयर करके बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जल्दी से मुझे कंपेयर करके बताओ किसकी ज़्यादा होगी। करना क्या है सबसे पहले प्रोसेस बताओ, करना क्या है? क्या मुझे HA और HB को निकालना है? HA निकालोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। और HB निकालोगे तब भी क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि H निकलेगा H+ में और क्रिएट क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जितना नेगेटिव स्टेबल होगा उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जल्दी से ट्राई करें, ट्राई कर लिया होगा आप सबने। HA अगर ब्रेक होगा तो नेगेटिव यहां आएगा बच्चों, सही बात है। क्या HB ब्रेक होगा तो नेगेटिव जस्ट बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा। और मुझे ये बताओ अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है और कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो अच्छा कौन होता है?
बहुत बढ़िया, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, और जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है वो बेकार क्वांटिटी होती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा भैया, तो के ए का ऑर्डर मैं लिख सकता हूँ एच ए इज ग्रेटर देन एच बी। एच ए ज़्यादा एसिडिक है, क्यों बच्चों? क्योंकि इसे मिलेगा रेजोनेंस, इसे क्या मिलेगा? रेजोनेंस, और इसे नॉन रेजोनेंस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कुछ प्रीवियस लेक्चर में कि नेगेटिव अगर कभी भी रिंग के जस्ट ऊपर आता है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं और सीखते हैं, सीखना जरूरी है बच्चों, पता है कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो रही है तो प्रॉब्लम उसकी नहीं है, लेकिन हाँ आपको सीखना है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। ये है ओ एच वन, क्लियर, ये है ओ एच टू, समझ रहे हैं? ओ एच टू का मतलब यहां मैं एच ए लिख देता हूं, चलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये है ए, ये है बी, और यहां मैंने लिख दिया ये है ए और बी ही रखिए, चलिए अभी सिर्फ दो रखिए, ठीक, कंपेयर करें इसे फटाफट। क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला आपसे, क्या कंपेयर करना है? एच ए एंड एच बी को कंपेयर करें, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है मुझे बताएं। क्या प्रोसेस क्या था? सबसे पहले क्या करना होता है आपको, एच ए और एच बी निकाल कर देखना होता है। एच ए और एच बी निकालने के बाद आपको खुद फील होगा कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ लग रहा है नेगेटिव, इस ऊपर इस पे हटाऊंगा तो नेगेटिव यहाँ लगेगा। अब बताओ कौन सा नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, क्या इस नेगेटिव में कोई रेजोनेंस है? क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन इस नेगेटिव का रेजोनेंस दिख रहा है आपको, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो अच्छा है किससे, एच ए और एच बी में। तो बताओ मुझे, अगर मुझे के ए का ऑर्डर लिखना होता तो मैं क्या लिखता, एच ए इज ग्रेटर देन एच बी। क्लियर है? नोट करें बच्चों इसे भी, फटाक से नोट करें। क्या चीज़ें बहुत ईजी हो रही हैं? ईजी है, टफ तो कुछ है ही नहीं, टफ है सिर्फ और सिर्फ आपका मन, आप अपने मन को बनाएं, फिर देखिए आप, कोई चीज़ टफ लग जाए तो बता देना मेरे को। इतना खतरनाक आदमी का दिमाग होता है ना भाई, कि वो हर एक चीज़ को समझ सकता है। इतनी बड़ी दुनिया समझ ली यार, ये छोटे से सब्जेक्ट नहीं समझ पाओगे क्या? समझ जाओगे ना, तो कोशिश करते रहो और जुड़े रहो, और मैं आपको सिखा कर ही छोड़ने वाला हूँ, बिना सिखाए नहीं छोड़ने वाला भाई, सिंपल सी बात है। नहीं आएगा दोबारा सीखेंगे, तिबारा सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर। चलिए एक और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, टाइप वही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए भाई। ओ एच है ये, इसी तरीके से मैंने यहाँ एक ओ एच लगा दिया, मैंने यहाँ एक ओ एच लगा दिया, और मैंने इन तीनों में नाम रख दिया ए बी और सी। मुझे बताएं के ए का ऑर्डर, जल्दी से सॉल्व करें इसे, के ए का ऑर्डर बताएं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन नोट करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, करते रहो और आप फटाफट सीखोगे चीज़ों को। ये है ओ एच, ये है ओ एच, ये है एस एच, ए है, बी है और सी है। पुरानी चीज़ों को बिल्कुल मत भूलना। क्या पुरानी चीज़ें? कि नेगेटिव की स्टेबिलिटी अगर सेम फैमिली में आती है तो भाई साहब नेगेटिव वहाँ स्टेबल होगा जिसका साइज बड़ा होगा। कब? जब सेम फैमिली के ग्रुप होते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग इंडक्टिव में बताया था, तो चीज़ों को ध्यान रखो भाई, भूलो नहीं, ठीक है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये वाला, लास्ट वन, भयंकर क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करना है भाई। एच ए है ये, एंड दिस इज एच बी, एंड दिस इज एच सी। चलिए इन तीनों में मुझे बताएं के ए का ऑर्डर क्या होगा। कॉन्सेप्ट वही है, करना क्या है आपको, आपको क्या करना है, एच निकालना है, एच निकालने के बाद नेगेटिव लगाना है, और नेगेटिव की स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर
अच्छा होगा उतना ही वो एसिडिक एच होगा। ऑब्वियसली बात है, एच प्लस डोनेट करना क्यों चाहेगा? क्योंकि उसको तगड़े से तगड़ा नेगेटिव मिल जाएगा, और जितना तगड़ा नेगेटिव मिलेगा इसका मतलब उतना ही अच्छा एसिडिक एच वो है, तभी तो वो डोनेट कर रहा है। मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ इसका मतलब मैं अगर स्टेबिलिटी गेन कर रहा हूँ तभी तो मैं वो चीज़ दे रहा हूँ। समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो। चलो कोशिश करो, 1 2 3 फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहला। चलो मुझे बताओ करना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ H प्लस को क्या करना है, रिलीज करना है। अब यार H प्लस को रिलीज करना है तो H प्लस में रिलीज होगा, क्रिएट क्या करेगा, नेगेटिव। मुझे बताओ अगर यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो जाए और यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो जाए, क्या सबसे पहला स्टेप यही होगा? दूसरा स्टेप क्या होगा? इस नेगेटिव का कोई रेजोनेंस दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, अल्टरनेट नहीं है कोई चीज़ें, कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर देखो इसका रेजोनेंस है, दिख रहा है आपको? ये नेगेटिव किसके साथ रेजोनेंस करेगा? इस डबल बॉन्ड के साथ। फिर किसके साथ करेगा? इस डबल बॉन्ड के साथ। और फिर किसके साथ करेगा? इस डबल बॉन्ड के साथ। मतलब बहुत बढ़िया रेजोनेंस है। मुझे बताओ बच्चों यहाँ पर कोई रेजोनेंस दिख रहा है आपको? कोई नहीं दिख रहा है आपको रेजोनेंस, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये और ये क्वांटिटी क्या है, एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि सेम सेम डिस्टेंस पे ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर भी सेम सेम डिस्टेंस पे ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ए की सबसे ज़्यादा होगी, और बी और सी में लगभग लगभग क्या होंगे, ये बराबर होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। वहाँ भी रेजोनेंस नहीं है, नेगेटिव के पास में जो पाई बॉन्ड है वो भी उतने ही डिस्टेंस पे है जितना इसके डिस्टेंस पे है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, जितना इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है ओवरऑल कंपेरेबिलिटी में इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही होगी। मतलब स्टेप क्या फॉलो किया आपने, सबसे पहला स्टेप H प्लस को निकाला, H प्लस को निकालने के बाद नेगेटिव लगाया और नेगेटिव की स्टेबिलिटी आपने चेक कर ली। यही काम मैं यहां करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सबसे तगड़ा नेगेटिव कौन है सबसे पहले मुझे ये बताओ। क्या मुझे ये पता होता है कि नेगेटिव की स्टेबिलिटी सबसे पहले वो कहां पर क्रिएट हो रहा है, ये डिपेंड करता है। मुझे बताओ यहां है सल्फर और यहां है ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन और सल्फर सेम फैमिली के ग्रुप है? डाउन द ग्रुप आने पे साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब बी, बिना सोचे बी को सबसे पहले रख देना है। अब बात आती है ए और सी में। यार ए में ओ नेगेटिव का रेजोनेंस है, इसके साथ है, ध्यान दो रेजोनेंस है, लेकिन क्या इसमें कहीं रेजोनेंस दिख रहा है? कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए पहले आ जाएगा और सी बाद में आ जाएगा। क्या बहुत सिंपल हो गया? उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है आपको, हमेशा जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है जैसे एरोमेटिक सिटी, इनका भी ये बहुत यूज़ करता है, बहुत अच्छे से यूज़ करता है ये। इनको पता है कि बच्चा कहीं ना कहीं एरोमेटिक को भूलेगा, बच्चा वही अच्छा है जो इस नेगेटिव को देखते ही समझ जाए कि यार ये एरोमेटिक है। जैसे ये हटाओगे आप तो नेगेटिव कहाँ लगेगा, यहाँ। ये हटाओगे तो नेगेटिव कहाँ लगेगा, यहाँ। और ये हटाओगे तो नेगेटिव कहाँ लगेगा, यहाँ। क्लियर है क्या? मुझे बताओ इस नेगेटिव और इस नेगेटिव में कोई रेजोनेंस नहीं है, आप देख पा रहे हो? इस नेगेटिव में क्या है, एरोमेटिक सिटी दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एरोमेटिक। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर सबसे अच्छा एसिडिक एच ए होगा। क्लियर बात है? एच बी और एच सी में ये भी डबल बॉन्ड के ऊपर है, ये भी डबल बॉन्ड के ऊपर है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या है, नेगेटिव आई ग्रुप है। इसका मतलब इसकी खींचने की टेंडेंसी, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, इसका मतलब एच बी और एच सी। क्योंकि अब जब आपने सारी चीजें सीख ली हैं तो आप यहां पर इंडक्टिव भी मिक्स करो, हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिक्स करेंगे और माइनस एम को भी मिक्स करेंगे। इन तीनों चीजों को मिक्स करके जब क्वेश्चन बनता है ना, तब होता है वो क्वेश्चन सबसे तगड़ा। क्लियर है? चलो नोट कर लो फटाक से। तो ये रही रेजोनेंस से रिलेटेड बात। अब थोड़ा और अच्छी बात करते हैं, जहां पर हम ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन और मेटा पोजिशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन में तरीका वही है बच्चों, कोई भी नया कॉन्सेप्ट होगा तो मैं आपको वो जरूर बताऊंगा,
इसका मतलब पहले जो तरीके मैंने आपको बताए हैं आप उन्हीं को बेसिक तरीका मान के सॉल्व करें, ठीक है। गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। मैंने मान लीजिए ये ले लिया एक फिनॉल, सबको पता है फिनॉल, इसी तरीके से मैंने क्या लिया फिनॉल, और अब मैंने क्या लगा दिया फिनॉल के साथ में एक क्लोरीन जोड़ दिया। अब यहां मैंने क्या किया फिनॉल लिया और फिनॉल के साथ में एक मैथिल जोड़ दिया। अब मुझे बताओ वन टू और थ्री में के ए का ऑर्डर क्या होगा, सोचो करना क्या है। करना वही है एच प्लस को निकालना है, नेगेटिव लगाना है, और नेगेटिव लगाने के बाद की कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत बढ़िया से क्लियर है, तो आप वही कहानी अप्लाई करें, ठीक है। चलिए कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर टू, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक OH है, मैंने यहां लगा दिया NO2 ग्रुप, इसी तरीके से यहां OH है, यहां मैंने लगा दिया मैथिल ग्रुप, इसी तरीके से यहां OH ग्रुप है, और मैंने यहां लगा दिया Cl ग्रुप, क्लियर। वन टू थ्री, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है वो CH2 नेगेटिव CCl3, CH2 नेगेटिव CF3, इसी तरीके से ये है A है एंड दिस इज B। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और ये है C नेगेटिव Cl Cl और Cl, दिस इज A, और ये है C नेगेटिव दिस इज F F और F। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप ऐसा मत समझे रिवीजन हो रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और वही कन्फ्यूजन मैं यहाँ दूर करने वाला हूँ, क्लियर है। नोट करें और बताएं मुझे किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सबसे पहला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मुझे कोई के ए का ऑर्डर पूछ रहा है, इसका मतलब एच प्लस निकालना है, नेगेटिव लगाना है और नेगेटिव की स्टेबिलिटी बतानी है। यहाँ से एच प्लस निकाला नेगेटिव लग गया, यहाँ एच प्लस निकाला नेगेटिव लग गया, यहाँ एच प्लस निकाला नेगेटिव लग गया। किसी ने कहा सर आपने ये ओ एच से ही क्यों निकाला एच, कहीं और से क्यों नहीं निकाला? यार बच्चों हर जगह कार्बन है, एक ही जगह ऑक्सीजन है, कार्बन से एच निकालोगे तो नेगेटिव कार्बन पे आएगा, ऑक्सीजन से एच निकालोगे तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे आएगा, कौन सा नेगेटिव जल्दी बनना चाहेगा? आपका आंसर है ऑक्सीजन, क्लियर। तो बताओ इसीलिए मैंने क्या किया ऑक्सीजन से निकाल दिया। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कुछ वैसा ही हो गया जैसा अपन कुछ देर पहले प्रीवियस लेक्चर में कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में अपन क्या कर रहे थे, नेगेटिव लगा रहे थे, और नेगेटिव के थ्रू अपन ये बता रहे थे कि अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगे हैं तो वो रेजोनेंस फैक्टर शो करेंगे, और अगर मेटा पे लगे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव शो करेंगे। क्या बोला मैंने, अगर कोई ऑर्थो पैरा पे ग्रुप लगे हैं तो वो हमेशा रेजोनेंस फैक्टर यूज करेंगे, अगर कोई मेटा पे लगा हुआ है तो वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। क्या इतनी सी बात क्लियर होती है? चलिए पहले क्वेश्चन में आप ध्यान दें, कॉन्सेप्ट वैसा ही है बच्चों। कुछ क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इस ओ नेगेटिव का सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है? यहां पर रेजोनेंस के साथ साथ ये क्लोरीन क्या करता है जल्दी बताओ, माइनस आई, क्लियर। ओ नेगेटिव मैथिल क्या करता है, मैथिल मैक्सिमम क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, सही बात है। मुझे बताओ यहां पर डोनेटिंग टेंडेंसी है थर्ड, फर्स्ट में विड्रॉइंग टेंडेंसी, सॉरी सेकंड में विड्रॉइंग टेंडेंसी है, और फर्स्ट में न्यूट्रल है, कुछ नहीं, ना डोनेटिंग ना विड्रॉइंग। तो मुझे बताओ एक है नेगेटिव, नेगेटिव को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खींचने वाला, सिर्फ और सिर्फ विड्रॉइंग फैक्टर, और पॉजिटिव को क्या चाहिए, डोनेटिंग फैक्टर। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव लगा हुआ है और कोई विड्रॉइंग टेंडेंसी नहीं लगी है, डोनेटिंग टेंडेंसी लगी है, तो ये चीज़ तो खराब है ना, ये चीज़ तो फिजिबल नहीं है उसके लिए। इसका मतलब क्या, ये जो थर्ड है ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ओ नेगेटिव को ये अनस्टेबल करेगा,
स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ले जा पाएगा। इसका मतलब बताओ सबसे अच्छा कौन होगा? टू, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आई है, ये विड्रॉइंग टेंडेंसी शो करेगा। वन और थ्री में, वन तो कुछ भी नहीं कर रहा है, थ्री तो तब भी डोनेट कर रहा है, इसका मतलब फिर आएगा वन, क्योंकि ये माइनस को कुछ नहीं कर रहा है। माइनस को डोनेट नहीं कर रहे हो तो शांत बैठो, कुछ मत करो, अच्छे हो तुम। लेकिन अगर डोनेट कर रहे हो तो तुम उसके दुश्मन हो, सिंपल सी बात है, सिंपल। तो बताओ यहाँ पर ऑर्डर सबको समझ में आ गया कैसे किया मैंने? यहाँ सेम कॉन्सेप्ट, एच निकाला, एच निकाला, एच निकाला, कहाँ लगा है? पैरा पोजिशन। और पैरा पोजिशन पे अगर रेजोनेंस फैक्टर यूज हो सकता है तो लिख दो उसको माइनस एम। अभी कितनी बार करते आ रहे हैं अपन ये चीजें। यहाँ क्या लिखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ क्या लिखोगे? माइनस आई। जल्दी से ऑर्डर बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होगा? सबसे ज्यादा विदड्रॉइंग टेंडेंसी कौन सा कर रहा है? वन, फिर थ्री, और ये तो डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर आएगा वन थ्री टू। क्या क्लियर हो गया इतनी बात? इस क्वेश्चन को ध्यान दो, अब बहुत ध्यान देने की जरूरत है इन दोनों क्वेश्चंस में, डिफरेंस समझना दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां कोई नेगेटिव के साथ रेजोनेंस नहीं है, क्यों? नेगेटिव सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्या कोई रेजोनेंस है? नहीं। यहां भी कोई रेजोनेंस नहीं है, और जब रेजोनेंस नहीं है तो आंसर किससे करते हो? इंडक्टिव से। और इंडक्टिव में बताओ जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना खींचने की पावर ज्यादा, इसका मतलब माइनस आई, बताओ सी एफ थ्री का ज्यादा होगा, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? बी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर बात है? लेकिन यार यहां पर आप देखो तो इसमें थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। क्या पॉइंट है? मैंने आपको एक रेजोनेंस में कंडीशन बताई थी, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, याद आई आपको? नेगेटिव सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। तो मुझे बताओ नेगेटिव सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल क्लोरीन के पास होता है या नहीं होता है? होता है, लेकिन फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना हमेशा। यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस है और यहां वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ए जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू बी, क्योंकि यहां ए में क्या है? रेजोनेंस। बी में कोई रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए मैं यहां इंडक्टिव ना लगाकर क्या लगाऊंगा? रेजोनेंस, क्योंकि मुझे पता है मेसोमेरिक रेजोनेंस फैक्टर पहले आता है और बाद में इंडक्टिव आता है। क्लियर बात है? नोट कर लें सारे क्वेश्चन। चलिए, नोट कर लिया आपने तो क्या अपन ने सीखा? सिंपल सी बात है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब H प्लस रिमूव करो, नेगेटिव क्रिएट करो, और नेगेटिव की जो भी स्टेबिलिटी है आप वही स्टेबिलिटी क्या करोगे? सामने लिखोगे। इसी क्वेश्चन को ये कुछ इस तरीके से भी दे सकता था, इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी दे सकता था, देखो कैसे। ध्यान देना बच्चों, नेगेटिव लगाता और यहाँ पर फ्लोरीन लगा सकता था, और नेगेटिव लगाता और यहाँ पर क्लोरीन लगा सकता था, और आपसे पूछ सकता था कि यहाँ नेगेटिव की स्टेबिलिटी बताओ, पूछ सकता था इस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या करते? सेम कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ सोचते कि ये नेगेटिव ऑर्थो पे भी आ सकता है और पैरा पे भी आ सकता है, और जैसे ही ये पैरा पे आएगा क्या इसको क्लोरीन का वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस मिलेगा? और बताओ फ्लोरीन में कोई रेजोनेंस नहीं मिलेगा, इसका मतलब मैं किसको स्टेबल क्वांटिटी बोलूंगा? इसे। तो समझ में आया आपको कि कैसे कैसे वो घुमाकर क्वेश्चंस को पूछ सकता है? क्लियर बात समझ में आती है? चलिए क्वेश्चन करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने काफी कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं, जैसे मान लीजिए OH है और यहां मैंने COH लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। इसी तरीके से यहां पर OH है और यहां SH लगा दिया, इसी तरीके से यहां OH है और मैंने यहां NH2 लगा दिया। क्या लगा दिया? NH2। अब मुझे बताओ A, B और C में Ka का ऑर्डर क्या आएगा? इम्पॉर्टेंट, अच्छे से करो, गलती मत करो। सबसे पहला पॉइंट आप हमेशा यही देखोगे कि H प्लस कहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। यहाँ गलती आप वही कर सकते हो कि आप H प्लस गलत निकाल दोगे तो आपसे गलती हो जाएगी, लेकिन आपने इतना अच्छे से सीख रखा है तो मुझे भरोसा है कि आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो भरोसा मत तोड़ो भाई, करो फटाफट करो। मैं आपके लिए क्वेश्चन और बनाता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जिससे कि आप बढ़िया से क्वेश्चन कर सको। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ड्रॉ हुआ है,
यहाँ पर अपन सीख जाएंगे कि कहाँ गलती अपने से हो सकती है। चलिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, के ए वाला, और मुझे बताएं यहाँ पर ए बी और सी में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप कैसे निकालोगे। क्या सबसे पहला स्टेप आप क्या फॉलो करोगे? सबसे पहला स्टेप आप ये फॉलो करोगे कि H प्लस कहाँ से रिमूव करना है। सबसे पहला स्टेप ही यही है। तो मुझे बताओ बच्चों H प्लस कहाँ से रिमूव करोगे? यहाँ O के साथ H है और यहाँ O के साथ H है, दोनों O के साथ है। लेकिन क्या आप एक चीज़ नोटिस की आपने कि ये जो O है इसका रेजोनेंस O के साथ हो रहा है, O नेगेटिव का O नेगेटिव के साथ, क्या समझ में आता है? और इस O नेगेटिव में C के साथ रेजोनेंस है। मुझे बताओ क्या अपन ने सीख रखा है इक्विवेलेंट, एक जैसे रेजोनेंस करने वाले ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं अलग अलग, क्लियर समझ में आता है? तो इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिंपल। तो मुझे बताओ कहाँ से H निकालोगे? यहाँ से, इसका मतलब नेगेटिव कहाँ लगाओगे? यहाँ, क्लियर समझ में आता है? O से निकालोगे या S से निकालोगे? भैया O से निकालोगे तो O पे माइनस आएगा, S से निकालोगे तो S पे माइनस आएगा, और माइनस की स्टेबिलिटी जब सेम फैमिली के ग्रुप होते हैं तो डाउन द ग्रुप साइज पे डिपेंड करती है, इसलिए मैं कहाँ से निकालूंगा? S से निकालूंगा, समझ में आती है? O से निकालोगे या नाइट्रोजन से निकालोगे? यार मुझे ये बताओ दोनों अलग अलग फैमिली के ग्रुप हैं, अलग अलग फैमिली के ग्रुप हैं तो बताओ O पे नेगेटिव अच्छा होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो कहाँ से निकालोगे? O से निकालोगे। कंपेयर करो, O पे नेगेटिव है जो कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, एस पे नेगेटिव है और यहां ओ पे नेगेटिव है, और ये नाइट्रोजन उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा? डोनेटिंग टेंडेंसी शो करेगा। मुझे बताओ ये ओ का इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ये एस का और यहां पर ओ का, सबसे तगड़ा कौन होगा? सबसे तगड़ा समझ में आता है ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव में कौन अच्छा? एस नेगेटिव, क्लियर। ओ नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है तो क्या हुआ है? तो वो ओ नेगेटिव ही ना, ए, लेकिन इस O नेगेटिव का C के साथ है और इस O नेगेटिव का O के साथ है, इसलिए मैं A पहले लिखूंगा और C बाद में लिखूंगा, तो आंसर आएगा B A C। फिर से देखिए, यहां पर O नेगेटिव था, यहां S नेगेटिव था और यहां O नेगेटिव था, तो मुझे बताओ O नेगेटिव और S नेगेटिव में कौन अच्छा? S नेगेटिव, इसलिए मैंने B को सबसे पहले रख दिया। इस O नेगेटिव का रेजोनेंस है C के साथ, तो इसका कोई फैक्टर हमें देखना ही नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर भी NH2 होता तो मैं देखता कि प्लस M शो कर रहा है क्या, यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ देखने की जरूरत है ही नहीं। O नेगेटिव अच्छा रेजोनेंस है, O C लेस है, इसका मतलब अच्छा कौन हुआ? A, बेकार कौन हुआ? C, इसीलिए B A C। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या निकालना है? के ए, एच ए, एच बी, एच सी, एच डी, क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ H प्लस को निकालोगे और नेगेटिव क्रिएट करोगे। कैसे? ध्यान दो, एच सी निकलेगा तो नेगेटिव यहां आएगा, एच डी निकलेगा तो नेगेटिव यहां आएगा, एच ए निकलेगा तो नेगेटिव यहां आएगा, एच बी निकलेगा तो नेगेटिव यहां आएगा। क्या चारों नेगेटिव आपने बना लिए? आप देख पा रहे हो कि सबसे तगड़ा नेगेटिव कौन है? यहां पर आपने एक चीज नोटिस की कि ये भी रेजोनेंस कर रहा है और ये भी रेजोनेंस कर रहा है, आपने ये चीज नोटिस की, लेकिन ए और बी कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब पहले डी और सी ही आएंगे। अब यार डी को देखो तो रेजोनेंस बहुत लंबा है, कैसे? नेगेटिव के साथ यहां, फिर यहां, फिर यहां, बहुत लंबा रेजोनेंस है। अच्छा इसकी बात करो तो ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ रेजोनेंस कर पाएगा। ये किसके साथ कर रहा है? तीन के साथ कर रहा है। तो बताओ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस किसका अच्छा है? डी का अच्छा है, फिर सी का अच्छा है, और ए और बी में जब एक कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है लेकिन ये सिंगल पे नेगेटिव है, ये डबल के ऊपर नेगेटिव है, तो डबल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? ए इज ग्रेटर देन। नोट कर लो बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, नोट कर लीजिए फटाक से। तो आपने ये सीखा कि आज हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे मेसोमेरिक फैक्टर, रेजोनेंस फैक्टर का यूज करके कैसे हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ रेजोनेंस अच्छा है, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी, क्लियर। तो चलिए फटाफट करें, क्वेश्चन क्या निकालना है? सेम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, ओ एच है, यहाँ मैंने लगा दिया क्लोरीन, ओ एच है,
यहाँ मैंने लगा दिया NO2। बहुत ध्यान से करना भाई, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। OH है, यहाँ मैंने लगा दिया CHO। तीनों अलग अलग ग्रुप लगाए हैं और तीनों की पोजीशन भी मैंने अलग अलग लगाई है, और आपको बताना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा ग्रुप क्या शो करेगा। दूसरा क्वेश्चन करें, ये पहला है बच्चों, सॉल्व करें इसे, फटाफट सॉल्व करें। 1, 2, 3, चलिए फटाफट सॉल्व करें दोनों क्वेश्चन और मुझे बताएं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए मुझे बताएं के के ऑर्डर में क्या करोगे, एच प्लस निकालोगे, नेगेटिव लगाओगे, क्या यहीं से निकालना पॉसिबल है? बिल्कुल। ग्रुप क्लोरीन क्या करेगा, कहीं भी लगाओ क्या करेगा, माइनस आई। कहाँ पे लगा है एनओ टू, मेटा पे, और मेटा पे हमेशा क्या करता है, नेगेटिव, क्योंकि इंडक्टिव शो करता है। ये कहाँ लगा है, पैरा पे, और बच्चों पैरा पे सी एच ओ ग्रुप, सी एच ओ ग्रुप का मतलब क्या है, बार बार बताना पड़ रहा है ये चीज, ये है, इसका मतलब नेगेटिव का रेजोनेंस होगा और यहाँ पर मेसोमेरिक शो करेगा, और उसे मैं माइनस एम लिख सकता हूँ क्योंकि पैरा पोजिशन पर रेजोनेंस फैक्टर यूज होता है। सबसे ज्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी कौन कर रहा है, देख के बताओ क्या आंसर लिख दोगे, सी, पक्की बात है, क्योंकि माइनस एम है भाई, मेसोमेरिक से खींचना ज्यादा फिजिबल है इंडक्टिव के कंपैरिजन में। ये दोनों इंडक्टिव है, अब जब दोनों इंडक्टिव है तो भैया डिस्टेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई कितना भी तगड़ा इंडक्टिव हो, अगर डिस्टेंस पास में है तो ज्यादा होगा, डिस्टेंस दूर है तो कम होगा। मैंने आपको बताया था KKR, कोलकाता नाइट राइडर नहीं, कौन कितना रूल, इंडक्टिव के लिए बहुत अच्छा बताया था मैंने आपको, KKR कौन है, कितना है, कहाँ है, कैसा है, ज़्यादा बोल दिया ना, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। सी सबसे तगड़ा हो गया, इन दोनों में देखा तो पास में कौन है, ए, इसलिए ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा, क्योंकि इंडक्टिव क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। 1, 2, 3 में देखो, मुझे बताओ सबसे पहले H कहाँ से निकालोगे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसी तरीके से वो बेवकूफ बनाएगा तुम्हें, O से नहीं, यहाँ से निकालोगे, क्योंकि इसका रेजोनेंस बच्चों इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, आपको मैंने कई बार बता दिया, यहाँ O से ही निकालोगे, सही बात है, और यहाँ भी O से ही निकालोगे क्योंकि N का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। अब देखने से ही दिख रहा है कि 1 सबसे तगड़ा है, क्योंकि भैया इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, सबसे तगड़ा होगा, चाहे कितना भी ग्रुप लगा दो, खींचने वाला या देने वाला कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नेगेटिव यहाँ रेजोनेंस इक्विवेलेंट करेगा, मतलब दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, दोनों 50-50% बनेंगे, बहुत अच्छा, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी। सेकेंड और थर्ड में देखो, ओ नेगेटिव को एनओ टू ग्रुप है, एनओ टू क्या करता है, माइनस एम, क्योंकि पैरा पे लगा है, कहाँ लगा है, पैरा पे, और पैरा पे रेजोनेंस फैक्टर यूज होता है। N का लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, इसका मतलब ये प्लस M है, पैरा पे लगा। 2 और 3 में सिंपल दिख रहा है, ये खींच रहा है, ये डोनेट कर रहा है, नेगेटिव को क्या चाहिए, विड्रॉइंग टेंडेंसी, इसका मतलब 1 is greater than 2 is greater than 3। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये रेजोनेंस फैक्टर को भी बहुत तगड़े से समझा, बहुत ही बढ़िया से इसकी फीलिंग ली, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आ गया अपन को, बहुत बढ़िया से इसको अपन ने डील कर लिया। तो इस तरीके से अपन एसिडिक स्ट्रेंथ को भी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों इसी तरीके से मौज करो, पढ़ाई करो, और अपन इसी तरीके से मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।